हेलो वरकम सत श्रीकाल वालेकुम राम राम और वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ आज हम लोग बात करेंगे नंबर सीक्वेंस के सेकेंड पार्ट की देखिए नंबर सीक्वेंस में सबसे जरूरी जो क्वेश्चन है आपके पास वो है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है स्टार्ट के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि टाइप्स क्या क्या होते हैं फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल में डिस्कस किया कुछ टाइप्स को जो टाइप्स बचे हुए उसको हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे फर्स्ट आपके पास आता है मीन या एवरेज स्लोप के आधार पे हम लोग इसको देख रहे हैं अगर मैं के नंबर की बात करूँ मीन या एवरेज में मैंने बात करी थी अगर आपके पास होता है क्या पैटर्न होता है ऐसा जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लीकेशन होगी टर्म्स के बीच में फिर उसके बाद इंटू वन होगा फिर इंटू आपके पास क्या है वन पॉइंट फाइव मतलब डेढ़ गुना होगा फिर नेक्स्ट टर्म दो गुना और सोन ढाई गुना एंड नेक्स्ट टर्म आपके पास तीन गुना ऐसा कुछ होगा अगर मैं इसमें नंबर की बात करूँ फॉर सपोज आपके पास कोई नंबर है फोर टू टू थ्री सिक्स नेक्स्ट टाइम आप उसको फाइंड आउट करनी है अब देखिए क्या है कि जब एवरेज या मीन uh, जिसको हम कहते हैं उसका अगर आपके पास क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पहचान क्या है आपके पास तीन मैं एक तरीके से तीन सिम्टम्स uh, की बात कर सकता हूँ जो आपके पास आप कहेंगे कि एवरेज या मीन का सवाल है पहली बात क्या है कि जो पहली टर्म्स है वो हाफ के आसपास हो रही है मतलब 0.5 मतलब आधा हो रही है जैसे यहाँ पे चार से आधा हो गया मतलब 0.5 आधा हो गया ठीक है इसके बाद जो सेकंड हो जो होगा जो नेक्स्ट टर्म होगी नेक्स्ट टर्म आपके पास सेकंड से थर्ड ये जो आपके पास टर्म होगी ये इंटू वन होगी इंटू वन मतलब वन या वन के आसपास हो सकती है यहां तो डायरेक्ट मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिया सिंपल यहां दो इंटू वन क्या होता है दो मतलब दो हमारे पास सिम्टम्स आए पहला क्या पहली टर्म्स से सेकेंड टर्म पे जब जाएंगे तो वो हाफ हो रही होगी और थर्ड टर्म जो होगी वो एक तरीके से आसपास होगी इंटू वन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ठीक है थर्ड जो चीज़ है पॉइंट्स का केस होगा अब देखिए पॉइंट वाला 90 परसेंट होगा इसके बाद आप नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे बट जनरली आपको जो पॉइंट्स दिखता है तो आपके पास क्या होता है वो एवरेज या मीन स्लोप का केस होता है देखिए यहाँ पे क्या है मैं स्लोप की बात करें जीरो पॉइंट तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इन क्या वन हो रही है येस एंड नेक्स्ट टर्म इंटू टू जो आंसर होगा वो आपके पास इन टू और छः में टू uh, का मतलब होता है छः को डबल करना और फिर हाफ करना डबल होता है बारह और हाफ होता है तीन बारह और तीन पंद्रह दैट इज योर आंसर इसी में जो है मैं एक और एग्जाम्पल की बात कर दू सपोज आपके पास कोई नंबर है सेवन फोर फाइव नाइन ट्वेंटी एंड नेक्स्ट टाइम आप इसको फाइंड आउट करनी है अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट टाइम आपको देखने के लिए आपको ये स्लोप जो है एवरेज का केस है कैसे पता चला अगर यहाँ पे देखेंगे आप नौ दुनी अट्ठारह ठीक है यहाँ पाँच धुनी दस चार दूनी आठ ऐसा मतलब मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रही और प्लस माइनस भी देखेंगे तो आपको कुछ सिक्वेंस नहीं दिखेगा तो हम क्या करते हैं पहले एवरेज के हिसाब से मैं जब बात करूँ क्या फर्स्ट टर्म हाफ के आसपास हो रही है सात का आधा कितना होता है साढ़े तीन तो यस उसके आसपास हो रही है ठीक है नेक्स्ट टर्म जो है इन टू वन के आसपास चार वन टू वन क्या होता है चार उसके आसपास क्या येस पांच तो हम लोग देख लेते क्या ऐसा कुछ हो रहा है इन टू जीरो पॉइंट फाइव यहां क्या इन टू वन हो रहा है नेक्स्ट टर्म में क्या डेढ़ गुना हो रहा है इन टू वन पॉइंट फाइव और उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी नौ दुनी अट्ठारह अब चेंज क्या हो रहा है देखिए सात को आधा किया तो साढ़े तीन उसमें कितना जोड़ना पड़ा जीरो पॉइंट फाइव उसके बाद चार एकम चार उसमें कितना जोड़े तो पांच हो जाए प्लस वन पांच से सा ये नहीं देखेंगे हम जनरली थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो यहां देख लीजिए नौ दुनिया अट्ठारह कितना जुड़े दो तो यहां आपको पता है क्या इन टू वन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव ही होगा हो और जो आंसर आपका निकलेगा वो ऐसा आएगा कुछ इन टू टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव अब देखिए मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए बीस को डबल करेंगे तो चालीस और हाफ करेंगे तो दस पचास तो यहां से आ गया और पचास के बाद आपको प्लस कितना करना है टू पॉइंट फाइव दैट मीन्स फिफ्टी टू पॉइंट फाइव विल बी योर आंसर सेकेंड जो आपके पास है वो है अप एंड डाउन सीरीज अप एंड डाउन से मतलब क्या है ऊपर या नीचे कुछ हो रहा है अप एंड डाउन अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं फोर सपोज कोई नंबर आपके पास टेन ट्वेल्व एट फोर्टीन सिक्स सिक्सटीन एंड नेक्स्ट टाइम आप उसको फाइंड आउट करनी है अब देखिए क्या अप एंड डाउन का मतलब है कि ऊपर नीचे कुछ हो रहा है दस से अगर एक बार क्या ऊपर गया प्लस टू हुआ फिर उसके बाद नीचे नीचे जाने का मतलब क्या यहां क्या हुआ माइनस फोर हुआ आठ से अगर चौदह का तो आपके पास कितना हुआ प्लस सिक्स नेक्स्ट क्या होगा माइनस एट यह क्या हो रहा है माइनस का प्लस का टेन जो आपका आ, आ, आंसर आएगा वो क्या आएगा यहां आया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो नेक्स्ट होगा माइनस दो चार छः आठ दस नेक्स्ट आएगा बारह सोलह में से बारह गया है फोर विल यू योर आंसर देखिए जनरली एस एग्ज़ाम्स में अप एंड डाउन सीरीज या दूसरी सीरीज नहीं आती बैंकिंग एग्जाम्स में से अच्छे क्वेश्चन आते हैं आप इसको मिस नहीं कर सकते ठीक है इसके बाद हम लोग मैं इसी में एक एग्जाम्पल और लेके बात करता हूं अगर आपके पास अप आप एंड डाउन ये क्या हुआ प्लस माइनस का केस हुआ अगर यही केस जो है प्रोडक्ट का भी हो सकता है प्रोडक्ट मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर की बात करूँ फॉर सपोज कोई नंबर आपके पास टू सिक्स थ्री नाइन फोर पॉइंट फाइव एंड नेक्स्ट टाइम आप इसको फाइंड आउट करनी है अब देखिए क्या है कि यहां पर वही सेम चीज़ हो रही है अप एंड डाउन मतलब एक तरीके से ऊपर गया फिर नीचे गया ऊपर गया फिर नीचे गया ऐसा कुछ अप एंड डाउन हो रहा है लेकिन क्या कि प्रोडक्ट का केस है प्रोडक्ट कैसे पता चला यहाँ से हमने देखा तो क्या हो रहा है आपके पास दैट इज़ इनटू थ्री हो रहा है यहाँ नेक्स्ट देखा दैट विल बी डिवाइडेड बाई टू नेक्स्ट देखा फिर इंटू थ्री हो रहा है और नो को आधा हो गया मतलब क्या डिवाइडेड बाई टू जो आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा इन टू थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू तो नेक्स्ट आएगा आपका इंटू थ्री फोर्टी फाइव का दैट इज फोर पॉइंट फाइव मतलब फोर्टी फाइव की थ्री मल्टीप्लीकेशन कितना होता तो है एक सौ पैंतीस तो एक पॉइंट है दैट इज थर्टीन पॉइंट फाइव योर आंसर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू सीरीज का जहाँ आपके पास दो सीरीज मिक्सअप हो जाती है वो आ, आता है आपके पास uh, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ फोर सपोज कोई नंबर आपके पास सिक्वेंस ऐसे सिक्स सेवन एट 9 11 12 15 16 एंड नेक्स्ट टाइम आप इसको फाइंड आउट करनी है अब देखिए क्या है कि इसमें आपको यहाँ पे एक बड़े से जिसमें दो सीरीज मिक्सअप हुई है दो सीरीज़ कैसे मिक्सअप हुई है आप इसमें प्लस माइनस करके देख सकते हैं वो आपको सीक्वेंस नहीं दिखेगा दो सीरीज मतलब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ओड नंबर का एक अलग और इवन नंबर का अलग जैसे ओड में क्या है फर्स्ट फिर थर्ड थर्ड से फिफ्थ फिफ्थ से सेवन्थ और सेवन्थ से आपका ऐसा कुछ हुआ है और जो नेक्स्ट है आपके पास वो है क्या सात से नौ नौ से बारह बारह से आपके पास क्या सोलह नेक्स्ट टाइम आपके तो आई छह से अगर मैं की बात करूं तो कितना तो पंद्रह और, और पांच क्या हो जाएगा बीस विल बी योर आंसर अगर इससे नेक्स्ट टाइम भी आपको फाइंड आउट करनी होती है तो वही सेम सिक्वेंस अगर देखिए हो सकता है कि इस नीचे वाली जो अब ये ओड नंबर जो सीरीज चल रही है इसमें आपके पास अलग सीक्वेंस दिया हुआ और जो ऊपर वाला है इसमें अलग दिया हुआ और हो सकता है सेम हो बट हमें जनरली इससे काम था तो हमने इसी को देखा ऊपर में भी आप देख सकते हैं सात से नो हुआ तो प्लस टू दैट इज प्लस थ्री प्लस फोर और नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या होगा दैट इज प्लस फाइव सोलह पांच इक्कीस ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपके पास मिसलिनियस सीरीज मिसलिनियस क्या होता है मतलब जिसमें जो आपके पास सारे टाइप्स बच गए उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें मिसलिनियस में अगर मैं कुछ जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर दूं अगर आपके पास फोर सपोज कोई नंबर है टू थ्री फाइव एट थ्री थर्टीन सॉरी दिस इज ट्वेंटी वन एंड नेक्स्ट टाइम आप उसको फाइंड आउट करनी है अब देखिए जैसे ही आप इसमें देखेंगे यहाँ आपको प्र, प्रोडक्ट का तो कोई केस नहीं है जैसे ही आप इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे यहाँ वन है यहाँ पे आपके पास कहते हैं टू दिस इज थ्री दिस इज फाइव एंड दिस इज एट अब देखिए क्या कि ये कोई सिक्वेंस नहीं दिख रहा लेकिन जैसे ही आप इस नंबर को देखेंगे नंबर क्या आपके पास टू थ्री फाइव एन एट ये नंबर वही है टू थ्री फाइव एट तो मतलब क्या होता है एक तरीके से सम ऑफ द टू इज नेक्स्ट मतलब तीन और दो को जोड़ के पांच बना पांच और तीन को जोड़ के आठ बनेगा आठ और पांच को जोड़ के तेरह बनेगा तेरह पांच जोड़ के इक्कीस बना तो जो नेक्स्ट टाइम आएगी तेरह प्लस इक्कीस दैट इज थर्टी फोर विल बी योर आंसर इसी में हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू इज नेक्स्ट मतलब क्या है एक तरीके से अगर मैं नंबर की बात करूं फॉर सपोज के नंबर आपके पास वन टू टू फोर एट थर्टी फोर एंड नेक्स्ट टाइम आप इसको फाइंड आउट करनी है अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि वही सेम चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ टू इज़ नेक्स्ट मतलब दो एक की मल्टीप्लीकेशन करी दो, दो दुनी चार इन दोनों की मल्टीप्लाई चार चार दुनी क्या हुआ आपके पास आठ आठ चौका कितना हुआ बत्तीस और बत्तीस इंटू आठ क्या होगा आपका आंसर होगा दैट वी टू फिफ्टी सिक्स है येस यस यही आपका क्या होगा आंसर होगा देखिए हमने क्या है बेसिकली टाइप्स डिस्कस किए हैं कि आपके नंबर सीक्वेंस में या नंबर सीरीज़ में जो आपके बेसिकली टाइप्स होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट्स में आप उसको देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग